दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा तंत्र ये सुनिश्चित करने की कोशिश में लगा है कि उनके पति अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना सके। उन्होंने कहा कि ये सब तानाशाही और आपातकाल की तरह है। आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना की है। सीबीआई ने कथित शराब घोटाले के मामले में आज बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके पति को 20 जून को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तुरंत उस पर स्थगन आदेश ले लिया गया। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा, अगले ही दिन सीबीआई ने केजरीवाल को आरोपी बना दिया और आज उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूरा तंत्र ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वो केजरीवाल जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, ये आपातकाल की तरह है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना थी। तब बीजेपी अचानक से बौखला गई और उसने एक फर्जी मामले में उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा लिया। सीबीआई की ओर से पिछले 2 दिनों से अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में पूछताछ की जा रही है। इसके बाद सीबीआई ने स्पेशल जज अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर आपने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, ताराशाह ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने की पूरी संभावना लग रही थी, तो बौखलाहट में बीजेपी ने एक फर्जी मामले में सीबीआई से केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। आपने आगे कहा कि सीबीआई केजरीवाल को राउत रेवेन्यू अदालत लेकर पहुंचे, जहां उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे गिर गया। तानाशाह, तुम कितने भी जुल्म ढालो, केजरीवाल नहीं झुकेंगे और ना ही टूटेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 1 अप्रैल से ही जेल में बंद है। मामले की जांच ईडी कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद वो 2 जून को वापस जेल चले गए थे।